नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में गंगा दशहरा पर हिंदू मुस्लिमों ने मिलकर लगाई शरबत की प्याऊ। भीषण गर्मी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति रजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश ने मिलकर सरस्वती मैरिज होम रुक्मणी बिहार बीएसए रोड मथुरा पर मीठे शरबत व आरओ का ठंडा पानी गंगा जमुना तहजीब को जीवित रखते हुए हिंदू मुसलमानों ने मिलकर गंगा दशहरे के पावन पर्व पर शरबत की प्याऊ लगाई। दोनों धर्मों के युवाओं ने लोगों को अपने हाथों से शरबत पिलाया। शरबत की प्याऊ का शुभारंभ संस्थापक अध्यक्ष विनोद दीक्षित के द्वारा किया गया। इस अवसर पर संस्थापक अध्यक्ष विनोद दीक्षित, युवा संगठन प्रदेश मंत्री मनीष शर्मा, प्याऊ के संयोजक यतेंद्र राजपूत और भोला ने कहा हमारे द्वारा सर्वधर्म के लोगों के लिए शरबत की प्याऊ लगाई गई है। मथुरा संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। जी नमस्कार, और इस गंगा दशहरा की पावन पर्व पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हमारी टीम लगातार समाज के विभिन्न क्षेत्रों में समय समय पर काम करती है। आज गंगा दशहरा के अवसर पर हमारे यतेंद्र भाई और भोला जी के द्वारा एक ठंडी शीतल प्याऊ का आयोजन किया है। यहाँ पे शरबत भी है, साथ ही एक शुद्ध पानी ठंडा आरओ के द्वारा रखवाया गया है और लगातार सुबह से ही पूरी टीम लगी हुई है। खास बात यह है कि आज इतनी भीषण गर्मी के बाद भी पूरी टीम लगी हुई है। और साथ में एक और बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान जो भाई हैं वो आपस में हम लोग सब लोग भाई हैं और उसी के अंतर्गत गंगा दशहरा के पर्व पर आज जो सेवा चल रही है यहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों के द्वारा चल रही है। मैं अपनी टीम की तरफ से जो भी आज की सेवा कर रहे हैं दोनों धर्मों के जो युवा हैं उनको मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। साथ ही समाज में भी एक मैसेज यही जाना चाहिए कि हम लोग सब भाई हैं, आपसी जो त्यौहार होते हैं सब मिलजुल कर मनाएं तो हमारा देश कहीं ना कहीं मजबूत होगा। और मजबूती के साथ में इसमें वर्ल्ड में अपना एक जो भाईचारा रिश्ता है वो आगे पूरे दुनिया में मिसाल के तौर पर देखा जाता है। तो आप सभी लोग मिलकर त्यौहार मनाइए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। पे आपके द्वारा आपकी टीम के द्वारा क्या कार्य कर दिया है? मेरा नाम मनीष शर्मा है, मैं ब्रज यातायात जन जागरूकता का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और आज गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में यहाँ पे गर्मी में शरबत की व्यवस्था की गई है और ठंडे पानी का भी उपलब्ध कराया गया है लोगों के लिए। इसके पावन पर्व पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा ऐसे पुनीत कार्य हर जगह होने चाहिए और लोगों को आगे बढ़कर आना चाहिए इन कार्यक्रमों में। घर में बैठे रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। ज्यादातर आए समाज की सेवा में, अपना कार्य बढ़ाएं। धन्यवाद। आज क्या गंगा दशहरा पे आपने क्या कार्यक्रम किया है? दशहरा की शुभकामनाएं के लिए हमने ठंडे जल के पानी किया है। कितने लीटर है आपका ये? 2000 लीटर पानी का किया है। मीठा है या सादा है? सादा और मीठा दोनों, रूह अफ़ज़ा के साथ। जी, आज इस मौके पर क्या कहना चाहोगे लोगों से? बस योगी जी की शुभकामनाएं और ठंडा पानी सबके लिए। धन्यवाद।